नमस्कार, न्यूज 22 को देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के लोगों को अगले कुछ दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि राज्य में ठंड का प्रकोप और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग की माने तो भीषण शीतलहरी का अनुमान जताया जा रहा है और आम लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। वहीं मौसम विभाग ने 12 से 15 जनवरी तक भीषण शीतलहरी का अनुमान जताते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचने के लिए जरूरी कदम उठाएं, गर्म कपड़े पहने और इसके साथ ही गर्म पेय पदार्थ का भी सेवन करें। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की बातों को अगर माना जाए तो राज्य के निचले क्षोभ मंडल में लगातार बर्फीली ठंडी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। अगले 3 दिनों के दौरान इसके 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जारी रहने का भी पूर्वानुमान है और इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने की संभावना है और इसके फलस्वरूप 12 से 15 जनवरी 2024 के दौरान बिहार राज्य के एक या दो स्थानों पर शीतलहरी की स्थिति बने रहने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने राज्य में अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की माने तो भीषण शीतलहरी का अनुमान जताया गया और आम लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने 12 से 15 जनवरी तक भीषण शीतलहरी का अनुमान जताते हुए आम लोगों से अपील की है कि वे ठंड से बचने के लिए जरूरी कदम उठाएं, गर्म कपड़े धारण करें और इसके साथ ही गर्म पेय पदार्थ का भी सेवन करें। मौसम विभाग की माने तो राज्य के निचले क्षोभ मंडल में लगातार बर्फीली ठंडी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह जारी है। अगले 3 दिनों के दौरान इसके 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जारी रहने का भी अनुमान लगाया गया है। इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहने की संभावना है। इसके फलस्वरूप 12 से 15 जनवरी 2024 के दौरान बिहार राज्य के एक या दो स्थानों पर शीतलहरी की स्थिति बनी रहने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग का भी अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने 12 से 15 जनवरी तक भीषण शीतलहरी का अनुमान जताते हुए आम लोगों से अपील भी की है कि वे ठंड से बचने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं और गर्म कपड़ों का धारण करें, इसके साथ ही गर्म पेय पदार्थ का भी सेवन करें। और मौसम विभाग की माने तो राज्य के निचले क्षोभ मंडल में लगातार बर्फीली ठंडी पछुआ और उत्तर पछुआ हवा का प्रवाह जारी है और अगले 3 दिनों के दौरान इसके 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जारी रहने का भी पूर्व अनुमान लगाया गया है। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, बिहार में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? नए वर्ष के शुरुआत होते ही जिस तरीके से ठंड का प्रकोप देखने को मिला, कई जो अभी तक जो कही जाए तो बादल आसमान में बादले छाए हुए हैं, कोहरे भी है और सुबह के जो कही जाए तो 8 बज गए अभी तक धूप नहीं उगी है। यानी कि साफ तौर पर भी कही जाए तो ये महीने में ठंड से कोई आसार मिलने वाले नहीं है और ऐसे में जो मौसम विभाग के अनुसार कही जाए तो अगले 2 दिन में बारिश की भी होने की आशंका जताई गई है कि बारिश भी होगी। ऐसे में अगर बारिश होती है तो और भी ठंड की है जो ठंड में और भी इजाफा हो सकती है। एक तरफ अगर उत्तरी बिहार की बात कर लिया तो उत्तरी बिहार के कई ऐसे जिला है जो पहाड़ी इलाके आते हैं, उन जिलों में जो है ठंड की प्रकोप लगातार जारी है। वाल्मीकि नगर हो, उसके साथ ही साथ जो कही जाए तो पश्चिमी चंपारण हो, ऐसे तमाम जो जिले हैं जिलों में ठंड की कहर लगातार देखने को मिल रहा है। अगर वहीं दक्षिणी बिहार की बात कर लिया तो दक्षिणी बिहार में जैसे गया हो गया, उसके साथ साथ नालंदा हो गया और पटना, राजधानी पटना की भी बात कर लिया तो राजधानी पटना में भी ठंड की प्रकोप देखने को मिल रहा है और सुबह से जो अभी कही जाए तो 8 बज गई है अभी तक धूप नहीं उगी है। जी काजल जी, विवेक, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।